खास हर अंदाज। हेलो, क्या बाजार में दादी नहीं आई थी? अच्छा ठीक है, और कुछ करते करते फोन करते। क्यों, क्यों, क्या पता, कुछ पता चला? दादी बाजार में भी नहीं गई तो फिर। हेलो, हाँ 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 बोल। अच्छे से चेक किया तूने? पक्का बोल रहा है? अरे दादी जिस मंदिर में जाती है उसके आसपास देखा, कहीं नहीं मिली। नहीं मिली? ठीक है, मंदिर के पुजारी ने बोला कि मंदिर भी नहीं गई है। दादी बाजार में भी नहीं गई तो फिर दादी मंदिर के पास भी नहीं तो फिर कहाँ है? कहाँ है दादी? समझ में नहीं आ रहा कि मेरी सहेली चली कहाँ गई। कहीं अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ तो नहीं चली गई? रिश्तेदार? अरे केडी रिश्तेदार से मिलने तब जाएगी ना जब यहाँ पर हमारा कोई रिश्तेदार होगा। यहाँ हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। और गलती से अगर कभी किसी के घर चली भी जाती है तो हमको बता कर जाती है। ऐसे कभी हुआ ही नहीं कि हमको बिना बताए वो चली गई हो कहीं पर। तो फिर चाची जी कहाँ जा सकती हैं? अग्नि, क्या दादी पहले ऐसा कर चुकी है? नहीं, हमेशा बता के जाती है वो। तभी तो हम ज्यादा टेंशन हो रही है कि बता के भी नहीं गई हो। हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ चली गई है दादी। अभी हम ना एक नंबर मिलाएंगे, फोन पर आपको ये बोलना है कि आप तीर्थ यात्रा पे निकल रही हो, ठीक है? समझो, अपनी फ्रेंड्स के साथ। हाँ, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तुम भूल गई, हमने तुमको कहा था कि प्लीज भी नहीं बोलना पड़ेगा। तुम्हें बोलना पड़ेगा। चलिए शुरू हो जाइए, या हम शुरू हो जाएंगे। हेलो अग्नि बेटा, हम ना अपना दोस्तों के साथ जो है मोलक के सहेलियों के साथ यहाँ तीर्थ यात्रा पर आए हैं। हमारा फिक्र मत करना, हम जल्द लौट आएंगे। अच्छा रिहर्सल हो गया है? अब सच में दोबारा फोन लगा रहे हैं? देख अच्छी एक्टा के जैसे ना बीच में से रोना गायब कर दीजिए। उनको पता नहीं चलना चाहिए कि रो के बात कर रही हैं आप, समझे हैं चाची जी? अब सचमुच में फोन लगा रहे हैं। अरे रोने का थोड़ा ख्याल रखिएगा।